वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम एबीबी एसी 800M टीसीएस के अंदर ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर, इन दो टाइमर को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एक मोटर का स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक बनाया था, जिसके अंदर हमने एक और गेट और एक एंड गेट इस्तेमाल करके मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने का लॉजिक बनाया था। आज की क्लास में हम बेसिकली दो टाइमर डिस्कस करेंगे, पहला ऑन डिले टाइमर और दूसरा ऑफ डिले टाइमर। तो इसको समझने के लिए एक नया लॉजिक ऐड कर लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट करेंगे और इसके अंदर FBD के अंदर हम बनाएंगे। और यहाँ पर हम टाइमर की क्लास है तो मैं टाइमर्स लिख देता हूँ, टाइमर्स, ये मैंने टाइमर्स लिख दिया और एक यहाँ पर ये फाइल ओपन हो करके आ गई है। इसके अंदर आज हम टाइमर्स पढ़ेंगे। ऑन डिले टाइमर कैसे काम करता है, ऑन डिले टाइमर को पहले यूज कैसे करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, बेसिक के अंदर जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे और टी ऑन पर डबल क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये यहाँ पर आपका ऑन डिले टाइमर दिखाई दे रहा है। इस ब्लॉक के अंदर आप देख पाएंगे तो एक इनपुट है, एक PT है। इनपुट की कंडीशन या तो ट्रू या फॉल्स देंगे, वो बुलियन है। और PT हमारा एक टाइम है जो प्रीसेट टाइम बोलते हैं। जैसे ही हम इनपुट को ट्रू करेंगे तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और ET के अंदर इलेप्स टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 15 सेकेंड का टाइम डाल दिया PT के अंदर, तो जैसे ही हम इनको ट्रू करेंगे तो ET के अंदर 1, 2, 3 ऐसे करके काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 15 तक जाएगी। यानी कि जैसे ही PT की वैल्यू ET के बराबर होगी तो आउटपुट जो क्यू है वो एनर्जाइज हो। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक कोई छोटी सी प्रोसेस है या कोई क्रिटिकल कोई बेल्ट है या कोई मशीन है जिसको हम चलाना चाहते हैं, लेकिन मशीन चलाने से पहले हमें उसको एक बार वार्निंग ऑन करनी है। जैसे हूटर है, हूटर को ऑन कर देते हैं तो पहले हूटर चलेगा उसके बाद मशीन चलेगी। तो ऐसे केस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस केस को बनाने के लिए पहले हम टी ऑन को इस्तेमाल करके एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जैसे ही हम मोटर कहें या मशीन कहें तो मोटर को स्टार्ट करेंगे तो मोटर स्टार्ट होने से पहले हमारा अलार्म स्टार्ट हो जाए। यानी कि जैसे हम स्टार्ट कमांड देंगे मोटर को तो मोटर तुरंत स्टार्ट नहीं होगी, वो मोटर 15 सेकंड बाद ऑन होगी, लेकिन स्टार्ट देने के साथ ही हमारा सायरन ऑन हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक मूव ले लेते हैं MOV और यहाँ पर हम स्टार्ट लगा देते हैं M1_start। M1 को हम यहाँ पर स्टार्ट की कमांड जैसे देंगे तो उसके साथ ही हमारा हूटर ऑन होना चाहिए। हूटर कहें या सायरन कहें, मैं हूटर लिख देता हूँ, हूटर हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन मोटर हमारी 15 सेकंड बाद ऑन होनी है। तो यहाँ पर हम मोटर को कनेक्ट कर देंगे, पहले मोटर कनेक्ट कर देते हैं M1_on_CMD, मोटर की ऑन कमांड चली जाएगी, ओके। और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम M1 स्टार्ट की कमांड देंगे, M1 स्टार्ट को प्रेस करेंगे तो हूटर तुरंत ऑन हो जाएगा, लेकिन मोटर 15 सेकंड बाद ऑन होगी। तो ये हमारा लॉजिक सिंपल बन गया कि जैसे ही हम इस बटन को हम प्रेस कर देंगे तो हूटर ऑन हो जाएगा और 15 सेकंड के बाद ये मोटर ऑन होगी। तो इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए पहले यहाँ पर चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं है हमारे प्रोग्राम के अंदर, कोई एरर नहीं है, सेव एंड क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम इसको टेस्ट मोड में ऑन करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद इसको दोबारा से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक कमांड देंगे। जैसे ही हम M1 स्टार्ट की कमांड देंगे तो हूटर हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन मोटर हमें ऑन करनी है 15 सेकंड बाद, तो हम यहाँ पर 15 सेकंड सेट कर देंगे, 15S डाल दिया। तो ये क्या करेगा देख लेते हैं, एक बार हम इसको ऑन करेंगे। जैसे ही हमने ऑन किया हूटर तो ऑन हो गया, लेकिन हमारी मोटर अभी ऑन नहीं हुई। मोटर कब ऑन होगी, जब इसके 15 सेकेंड एलेप्स हो जाएंगे। ये ET में आप देख पा रहे हैं, ये
टाइम चलता हुआ दिख रहा है, इलेप्स टाइम है, और ये पेटी में ये 15 सेकेंड हमने सेट किए हैं उस लैप। तो जैसे ही ये 15 इलेप्स हो गए तो यहाँ पर मोटर ऑन कर, तो ऐसे केस में हम इसको यूज कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इसकी कमांड को रिलीज करेंगे तो दोनों चीज़ें एक साथ बंद हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने सीखा कि कैसे हम ऑन डिले टाइमर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका एक दूसरा टाइमर है ऑफ डिले टाइमर, उसको कैसे समझेंगे, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक पहले इसको क्लोज करेंगे और इसको टेस्ट मोड को ऑफ करेंगे, और उसके बाद हम इसको खोलेंगे और इसको सेलेक्ट करके एक टी ऑफ टाइमर को लेंगे। बेसिक लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और यहाँ पर टी ऑफ टाइमर को सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तो ये यहाँ पर टी ऑफ टाइमर आ गया। अब इसके अंदर हम एक दूसरी मोटर ले लेते हैं जिसके अंदर हम स्टार्ट करना चाहें तो तुरंत स्टार्ट हो जाए, लेकिन जब हम स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप तुरंत ना हो, वो स्टॉप कुछ देर के बाद हो, कुछ सर्टेन टाइम के बाद हो। ऐसे केस में हम टी ऑफ टाइमर यूज करते हैं। टी ऑफ टाइमर काम कैसे करता है, जब इसकी इनपुट की कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही ट्रू होगी तो आउटपुट तुरंत ऑन हो जाएगा, लेकिन जब इनपुट की कंडीशन ट्रू से फॉल्स जाएगी तो उस टाइम ये क्यू आउटपुट फॉल्स नहीं होगा, ये अपनी एक्युमुलेटर में टाइम काउंटिंग स्टार्ट कर देगा और जो भी पीटी की वैल्यू पड़ी है उतना काउंट करने के बाद ये अपने क्यू को रिलीज करेगा, यानी कि आउटपुट को रिलीज करेगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरी मोटर को, जैसे मान लीजिए M2_start, ये मैंने कोई दूसरा मोटर 2 का एक ले लिया, और इसके बाद यहाँ पर हम एक दूसरी मोटर M2_onCMD कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने दूसरी मोटर का बना दिया, इसको चेक कर लेते हैं कैसे काम करें। अभी एक बार इसको चेक करेंगे, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। सेव एंड क्लोज कर देंगे, टेस्ट मोड को ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद प्रोसेस को ओपन करेंगे। अभी हम इस लॉजिक को टेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम कुछ टाइम सेट कर देंगे, मान लीजिए मैं 10 सेकेंड सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर M2_start को जैसे ही हम ऑन करेंगे, यानी कि कंडीशन को ट्रू करेंगे, तो मोटर ऑन हो जाएगी तुरंत, लेकिन जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे ये तुरंत ऑफ नहीं होगी, ये 10 सेकेंड बाद ऑफ होगी। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एक बार जैसे ही हमने इसको ऑन किया मोटर तुरंत स्टार्ट हो गई और स्टार्ट ही रहेगी। अब हम इसको एक बार ऑफ करेंगे, यहाँ से मैं इस कमांड को ऑफ कर देता हूँ। जैसे ही ऑफ की तो ये मोटर तुरंत ऑफ नहीं हुई, ये 10 सेकेंड इलेप्स करके तब ये ऑफ होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10 सेकेंड इलेप्स हो गए तो ये मोटर ऑफ हो गई। तो इस तरह से ये ऑफ डिले टाइमर काम करता है। तो आज की क्लास में हमने ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर डिस्कस किए। तो आज की क्लास में बस इतने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।